अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी है। हमारे यहाँ जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जॉब लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब देने वाला कोई नहीं है, सप्लाई नहीं है जॉब की। क्यों नहीं है? यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसी वजह से जॉब्स नहीं है। ज़ाहरी बात है, जो भी कंपनी है उसे अपनी एक लिमिट के मुताबिक चाहिए। अगर एक कंपनी को 100 एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वो 100 को ही रिक्वायर करेगी ना। वो 400 से 500 अगर अप्लाई करने वाले होंगे उसमें क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, उनमें से कोई 100 सेलेक्ट होंगे, उसमें 400 तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकता। और हम ये भी जानते हैं कि जो आज की नस्ल है, जो यूथ है, वो बहुत जज्बाती है, वो हर काम जल्दी चाहती है, जल्दी जल्दी उनका काम हो जाए, जल्दी जल्दी कहीं से पैसा आ जाए, वो पैसा कमाएं और साइड पे हो जाएं। अगर उनसे वो काम नहीं होता, अगर वो किसी की ट्राई करते हैं, अगर उनसे वो काम नहीं होता तो वो हार मान के बैठ जाते हैं, ब्लेम करते हैं, किस्मत हमारी किस्मत ख़राब है इसलिए काम नहीं हुआ। और ये बात याद रखें, हमेशा सक्सेस से पहले फेलियर आती है। जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सब ने पहले फेलियर देखी है, उसके बाद वो कामयाब होंगे। अगर हम में से कोई किसी को कह दे कि कारोबार स्टार्ट कर लो, कारोबार शुरू कर लो, कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, कारोबार के लिए तो पैसा होना चाहिए। मेरी सोच के मुताबिक कारोबार के लिए पैसे से ज़्यादा आपको आइडिया की ज़रूरत है। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप कारोबार स्टार्ट कर ही नहीं सकते। हम सब ने उबर और क्रीम का सुना तो होगा ही, उबर क्रीम जिससे बड़े सिटी के अंदर छाई हुई है। अब उबर और क्रीम क्या है? वैसे असूली तौर पे जो उबर और क्रीम है, ये दुबई और यूरोप के ममालिक की ब्रांच है। पाकिस्तान में जो लोग काम करते थे उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ उन्होंने बाहर एक चीज़ चल रही थी उसका नाम पाकिस्तान के अंदर यूज़ किया है। सिर्फ एक उनकी एप्लीकेशन बनी है, एक एप्लीकेशन उबर और क्रीम की, उन्होंने उसके ऊपर जो इम्प्लॉय थे, इम्प्लॉय तो खुद आए थे, उन्होंने खुद कमाना है और कंपनी को भी देना है और ख़ुद भी करना है खाना। इसके लिए आपको सिर्फ एक कमरा चाहिए रेंट के ऊपर, जो आपने सिर्फ एक ऑफिस बनाना है, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, जो उन्होंने की है। उन्होंने एक एप्लीकेशन, एक उन्होंने जगह मुकर्रर कर दी कि ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। अब उधर क्या हुआ, अब उधर जो भी उनका एम्प्लॉय था, जो भी जिसने भी वहाँ पर रजिस्टर होना था, वो उस एप्लीकेशन पर रजिस्टर हुआ और वहाँ पर आके उसने कमाना शुरू कर दिया। जो भी पेड वगैरह होती है वो उसी एप्लीकेशन के ज़रिए से होती है। अब ये ज़्यादा क्यों चली है? क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी बेटर थी और इन्वेस्टमेंट कम थी, कोई पे देनी थी कुछ भी नहीं था, एक आइडिया था उनके पास। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुख्तलिफ अपने जहन पर जोर दें, आप आइडिया लाएं, नेट हर किसी के पास मौजूद है, आप नेट पे इतने आइडियाज़ पड़े हुए हैं, आपकी सोच है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास एक आइडिया है किसी चीज़ को बेटर करके प्रोवाइड करने का, तो वो भी कर सकते हैं आप, वो भी एक बेटर आइडिया है। आप करने वाले बने सही, इस दुनिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। अब लास्ट वीक मैं गया था मुल्तान, वहाँ पर एक पंपलेट के ऊपर लिखा था घर का खाना दस्तयाब है, एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर सबको लिखा। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक आदमी था, उसने कोई 2-3 लेडीज़ रखी हुई थी पे के ऊपर, पर मंथ के ऊपर। अब वो उसे खाना बना बना कर देती थी और इसने आगे थोड़े बंदे रखे हुए थे जो उसे सप्लाई करते थे। अब उसके पास इतना ज़्यादा रश था कि उसे 2-3 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है कि वो खाना आप कब बना कर देंगे, डिश का नाम बताना पड़ता है। अब उसमें हुआ क्या, कुछ लोग होते हैं जो होटल का खाना नहीं खाते, उसमें मसाले वगैरह तेज़ होते हैं, उसने मुतारिफ़ करवाया घर का खाना। अब घर के खाने के अंदर थोड़ा बहुत मसाले वगैरह कम होते हैं, नाम चेंज किया, सिर्फ एक नेम चेंज किया, घर का खाना दस्तयाब है, वहाँ पर होटल था, मुख्तलिफ होटल का नाम था। अब उसका काम इतना चल पड़ा है कि उसके पास टाइम नहीं है, यानी कि आपको 2-3 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद आपको चीज़ देते हैं। ये क्या था, आइडिया था उसके पास, मुख्तलिफ आइडियाज़ है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप यकीन माने आप बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं, सबसे मेन बात। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो आपके अंदर है सब्र, सब्र की ताकत जब तक आपके अंदर है ना तब तक आप कामयाब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिटी के अंदर 4 मॉल हैं। अब मॉल उसके अंदर ज़ाहरी बात है प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, आप अगर उसी के मुकाबले में एक मॉल ना खोलें, एक शॉप खोल लें, रेंट के ऊपर रख लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, समझ लें 1.5 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें,
अब उसके अंदर कपड़ा आपकी बेटर क्वालिटी हो बट प्राइसेस कम हो। पाकिस्तान के अंदर 60-65% जो आबादी है वो मिडिल क्लास की है, जो इतना ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर वही 60-65% में से 50% भी आपके ब्रांड से या आपके क्वालिटी से अफेक्ट होते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर इफेक्ट मिले। अब सवाल ये उठता है कि वो जो 1.5-2 लाख है वो आप कहाँ से कमाएं? सबसे बड़ा रास्ता, आप अगर एजुकेटेड है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाएं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा और बहुत से रास्ते हैं, कोई एक रास्ता नहीं है। आप वो 1.5-2 लाख रुपए कमा के आप बहुत अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। कारोबार तो 20-25 हज़ार रुपये का छोटा सा प्लांट लगकर भी हो सकता है। हम कहते हैं अगर 20-25 लाख की बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तभी हम काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे से भी इंसान आगे जा सकता है, अगर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप थोड़े से फिर ज़्यादा करें, ज़्यादा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। खुदा हाफिज़।